कैसे हैं आप सब लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि मैंने आप लोग को प्रीवियस ईयर ने बोला था कि कोरोना वायरस के वजह से ब्लॉग्स पॉसिबल नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए कुछ गेम प्ले वीडियोस लाए जाए, वो भी GTA 5 का। तो मैंने सोचा कुछ इंटरेस्टिंग आपके लिए लाते हैं, तो ये आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए GTA 5 का एक ब्रांड न्यू मस्त वाला इंटरेस्टिंग गेम प्ले। तो इस गेम प्ले वीडियो में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैंने इसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस किए हैं जो आप लोग को देख के मज़ा आएगा। तो जैसा कि आप लोग को पता है, नहीं पता है, मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो कैरेक्टर है हमारा फ्रैंकलिन है, और इसके बाद से आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पे इस तरफ ट्रेवर और माइकल हमारे हुए। तो ये जो फ्रैंकलिन का जो एक हाउस था, सेफ हाउस, वो कुछ ऐसा दिखता था, लेकिन अब उसमें मैंने थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस किए हैं, तो उन मॉडिफिकेशंस की वजह से वो बहुत ही तगड़ा हो जैसा हो जाएगा। येस, आई हैव यूज मॉड्स। यार, मॉड लगा के खेलने का मज़ा ही कुछ और होता है, तो मैंने कुछ मॉड्स लगाए हैं। और अगर आपको उस मॉड को डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मॉड मिल जाएगा, और वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे कैसे कैसे उसको आपको इंस्टॉल करना है, तो आप वैसे आगे यूज़ कर सकते हो। तो अभी तो मैं हूँ फ़िलहाल अपने गैराज पे, तो अभी हम फ़िलहाल चलते हैं यहाँ से सीधा घर के तरफ, और मैं ट्राई करूंगा कि आप लोग को पूरा एक बढ़िया से आपको ये दिखा सकूं। तो आप लोग जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने पूरे मॉड वेन्यूज़ मेरे यहाँ पर आ चुके हैं, मैंने पूरा गेम, ये जो क्वारंटाइन हुआ है, मैंने बैठ के पूरा गेम मॉड किया है। तो मेरा घर आप लोग देख सकते हो, मेरा घर एग्जैक्टली इस पोजिशन पर। तो मैं जो मार्कर है वो थोड़ा सा आगे लगाऊंगा, ताकि आप लोग को एक सरप्राइज़ सीधा घर पर चला जाएगा, तो सरप्राइज़ ख़त्म हो जाएगा। तो अब काम करते हैं, मॉड्स या टेलीपोर्ट होते हैं। जब आप देख सकते हो हम लोग आ गए हैं अपने घर पर अब फाइनली। तो अब आर यू गाइज रेडी फॉर द सरप्राइज? एंड गाइज, सरप्राइज इन 3, 2, 1 एंड लेट्स गो। अच्छा भाई, मैं बाद में ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ इसीलिए। तो यार, अगर आप लोग को ये मॉड डाउनलोड करना है तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। देन नॉट सी, दिस इज द ब्रांड न्यू फ्रैंकलिन्स हाउस। और जब आप लोग, पहले मैं गैरेज दिखा रहा हूँ, देखो यार, गैरेज में पहले से T20 और वो बाइक खड़ी हुई है, तो अंदर से बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, टेलीपोर्ट मैं कर सकता हूँ अपने आप को। तो अंदर से हाउस बिल्कुल सेम है, बस जो भी हुआ है वो बाहर से हुआ। देखो, मैं टेलीपोर्ट होकर बाहर आ गया, वो थोड़ा सा आप लोग के लिए सरप्राइज़ थोड़ा सा अलग हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, इसको भी हम लोग साइड करते हैं। तो ये हमारा मेन एग्जिट है, और यहाँ से हमारा रैंप है, इस रैंप से हम ऊपर जाएंगे। तो ऊपर जाएंगे तो एक तरह से पूरा गार्डन, ये गार्डन टाइप का है। और अगर आप लोग को पूरा दिखाऊँ, आप लोग को अभी पूरा दिखाता हूँ, आप लोग चौंक जाओगे क्या क्या। तो घुसते सही राइट हैंड साइड में सबसे पहले है हमारा पहला हेलीपैड। यस, पहला हेलीपैड। तो आप लोग देख सकते हो कि ये हमारा पहला हेलीपैड है, और यहाँ पर रखा है मेरा VVIP हेलीकॉप्टर, विच इज़ ऑफ फुल ऑफ कोल्ड, बहुत ही तगड़ा लगता है देखने में। और फिर ये हमारा पहला हेलीपैड है, मतलब इसके यहाँ और भी होंगे, तो अब मैं आपको दूसरा लेकर, तो मैं ऊपर से आपको एक लुक दे दे रहा हूँ उसका। तो इस तरह से कुछ लगता है कि बहुत ही बड़ा ये मॉडिफिकेशन था, और कुछ टाइम भी लगा करने में। आप लोग देख सकते हैं ग्लास पैनल्स भी लगे, आर पार दिख रहा है, ट्रांसपेरेंसी है पूरी। और यहाँ पर हमारा पहला हेलीपैड है, हम लोग चलते हैं अपने दूसरे हेलीपैड पर। दूसरा हेलीपैड बोला था, दूसरे हेलीपैड पे चलते हो। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से अगर हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा जगह है, वहाँ पे भी आप चाहो तो हेलीकॉप्टर पार्क कर सकते हो। और वैसे तो इसके ऊपर तो बहुत ही तगड़ा वाला बस से एकदम पूरा हेलीकॉप्टर है। तो हमारे यहाँ पे दूसरा हेलीकॉप्टर है, विच इज़ अ बजट हेलीकॉप्टर, अगर कभी मान लो अटैक वगैरह हो गया तो उस पर काम के आ सकता है। तो ये हमारा दूसरा हेलीकॉप्टर है, दूसरा हेलीपैड है यहाँ पे। और यहाँ पे साइड में ओपन स्पेस है, वहाँ पे शायद हेलीकॉप्टर थोड़ा छोटा है। और इस साइड, यार मैं खुद अभी तक नहीं गया हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं है, फालतू है, बेकार है, कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग साइड करते हैं। तो अब इधर चलते हैं, इधर चलते हुए हमें क्या मिलता है, यहाँ पे ग्लास पैनल्स मिलते हैं, ट्रांसपेरेंसी पूरी है, पूरा आर पार दिख रहा है हमें। और देन आगे चलते हैं, यहाँ से अब हम नीचे उतरते हैं। सामने देखो आप लोग, सामने क्या दिख रहा है, दो हेलीपैड्स। और यहाँ पे एक शायद वैल्केरी इसका नाम है, आई एम नॉट श्योर, या वॉयलेट या वैल्केरी, ऐसे कुछ एक हेलीकॉप्टर यहाँ पर है, एंड द सेकंड वन इज़ ओवर हियर। तो आप लोग देख सकते हो कि इस घर में टोटल 4 हेलीपैड हैं, और चारों हेलीपैड पे 4 हेलीकॉप्टर रखे हुए हैं। तो अगर हम दूसरे हेलीपैड से आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमें कुछ मसल्स कार्स मिल जाती है, उसके बाद से हमें यहाँ पर कुछ VIP कार मिल जाती है, जो कि एक तरह से रेंज ओवर आप बोल लो, उसके बगल में एक आपको थोड़ी सी पटपट वाली कार मिल जाती है, और उसके बगल में हमें कुछ बुलेट प्रूफ मसल कार्स, और यहाँ पे भी एक VIP कार रखी हुई है। तो अब हम यहाँ से चलते हैं नीचे, नीचे चलते ही यहाँ पे हमारे एक रैंप मिलता है, और ये जो सामने वाला है ये बाहर की तरफ निकल जाता है, जहाँ से आप अपनी कार्स वगैरह निकालोगे। और नीचे द मेन
यहाँ पे आपको कार्स पूरा ये गैरेज है जो बेस फ्लोर है पूरा गैरेज है। तो जैसे कि आप रैंप पे आते हो तो आपको कार्स देखना स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे फिलहाल दो कार्स रखी हैं, उतनी खास नहीं है, लेकिन बाकी मस मस कार नीचे वाली हैं। तो बाकी आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ तीन कार्स रखी हैं जिसमें से उधर वाले रोल्स रॉयस लग रही है लेकिन है नहीं। और हम इधर आते हैं तो यहाँ पे कुछ सुपर कार्स रखी हुई हैं जिसमें से बीच वाली जेंट्रोनो है जो कि लैम्बोर्गिनी की तरह ही है। क्यों आप बोल सकते हो कि लैम्बोर्गिनी का सगा भाई है, ये भी बोल सकते हो आप, लेकिन हाँ बहुत ही तगड़ी कार है ये भी, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। इट्स मोर और लेस सेम टू लैम्बोर्गिनी। और अगर हम इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमें और कुछ सुपर कार्स मिल जाते हैं इंक्लूडिंग T20, और ये भी बहुत तगड़ी कार है, जो कार है जो ब्लैक वाली है। तो अभी यहाँ पे मैंने ये पूरा आपको गैरेज दिखाया, अब हम चलते हैं यहाँ से, एक काम करते हैं अब हम यहाँ से अपनी T20 उठाते हैं और चलते हैं अपने गैरेज पे, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ गैरेज पे कि मेरे गैरेज में कौन कौन सी कार सकती हैं रखी हुई हैं। आप लोग देख के पक्का चौंक जाओगे, तो यार देखो कितनी तगड़ी चल रही है। आई एम सॉरी, तो देखो यार ये जो T20 है पूरी मॉडिफाइड है, और गैरेज उस वाले गैरेज में जो थी मेरे हाउस में वो सारी पूरी मॉडिफाइड नहीं थी, लेकिन इस गैरेज में मैंने जो अपनी कार्स रखी हुई हैं वो सब के सब हाईली मॉडिफाइड हैं। तो एक काम करते हैं, इसको बाहर पार्क नहीं करते हैं, इसको हम अंदर ही ले चलते हैं। तो इसको हम फिलहाल फ्लोर 4 पे पार्क कर देते हैं। पार्क करके साथ ही मैं आप लोग को दिखाना होगा नहीं, क्योंकि मैं एक एक करके दिखाऊंगा फ्लोर की हर फ्लोर पे कौन कौन से है। तो मैं यार धीरे धीरे हाँ, तो अभी यार हम लोग यहाँ पर आ गए, अब यहाँ से हम लोग बाहर निकलते हैं। तो यार अब देखो यहाँ पर हम आके ई प्रेजेंट, और सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर पे, आर यू गाइज रेडी, लेट्स 1 2 3 गो। तो हम लोग यार अब फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं, और मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगा, जैसे आप देख सकते हो लोड हो रहा है। तो यार यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर हमारा आ चुका है, और सी दिस, क्या कार्स रखी हुई हैं भाई यहाँ पे, हर एक सुपर कार है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि जितने भी कार के नाम से हैं वो सब आप लोग पढ़ सकते हो कौन कौन से कार यहाँ पे रखी हुई हैं। ये है जेंट्रोनो, और फिर यहाँ पे ये आपको T20 मिल जाएगी, एंड देन उसके बाद से बहुत सारे सुपर कार, ये चीता रखी हुई है यहाँ पे, एंड इसका F कुछ करके नाम था, एंड आई डोंट रिमेंबर। और इसके बाद से हमें जितनी भी, ये देखो जितनी भी यहाँ पे कार्स रखी हैं, सबसे पहले सब पूरे गोल्ड हैं एंड टू द हाईएस्ट मॉडिफाइड हैं ये सारी कार्स। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस ये जो अपार्टमेंट के बोले जो मेरा गैराज है, इसमें पूरे 8 फ्लोर हैं, जिसमें से अभी फिलहाल 3 फ्लोर ही पूरी तरह भरे हुए हैं और 1/4 फ्लोर थोड़ा सा भरा हुआ है। तो अब हम चलते हैं 2nd फ्लोर पे, और 2nd फ्लोर 3-2-1 को, और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा 2nd फ्लोर भी लोड हो रहा है। आ जा, एंड हियर वी ऑन 2nd फ्लोर, आर यू गाइस रेडी, 3-2-1 गो। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या, ये देखो पूरी बाइक सी कलेक्शन रखी हुई है, इंक्लूडिंग द मोस्ट रेयर बाइक इन GTA 5, शटैरो। और देख सकते हो यहाँ पे सारी बाइक्स हैं, जो भी जो मस मस वाली जो बाइक है सारी है यहाँ पे, इंक्लूडिंग द मोस्ट रेयर बाइक। और फिर यहाँ पे हर एक बाइक रखे हुए हैं, और इसके जो लास्ट वाली बाइक ये वाली देखो, इसके आगे जो हेडलाइट होता है उसका स्कल लगा हुआ, तो बहुत ही तगड़ा लुक देता है वो। और ये अपनी मोटो जीपी वाली बाइक हो गई, उसके बाद से ये अपनी ऑफ रोड वाली बाइक हो गई, फिर ये अपनी बुलेट हो गई, और बुलेट के मॉडल की बहुत सारी रखी हुई है, लेकिन ये ज़्यादा ये तगड़ी लग रही है। और ये अपनी ड्यूक हो गई, हाँ इंडिया वाली ड्यूक हो गई है। और फिर हम बाइक के गैरेज से बाहर चलते हैं, और जो 3rd फ्लोर है ना यार, वो मेरा पर्सनल फेवरेट फ्लोर है, मैंने बहुत ही मस्त से बनाया उसको, आप लोग देख के मज़ा आ जाएगा। 3-2-1 लेट्स गो डायरेक्टली इनटू द फ्लोर। और बहुत मन था मेरा ऐसे फ्लोर बनाने का, एंड मैं आप लोग को दिखाता हूँ स्टोर पे क्या है। तो आप लोग ये देखो, ओ माय गॉड, ये पूरा फ्लोर शतारों से भरा हुआ है। यहाँ पे शतारों हर एक कलर में, वाइट, रेड, ब्राउन, ऑरेंज, ब्लू, द अल्टीमेट वन ब्लू बहुत तगड़ा लगता है, देन इधर ग्रीन, एंड देन पिंक, देन मिडनाइट ब्लू, आई थिंक सो मिडनाइट ब्लू के आसपास, एंड आफ्टर दिस मिडनाइट पर्पल, एंड आफ्टर दिस वी हैव क्रोम एडिशन ऑफ दिस। तो हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं एंड चलते हैं 4th फ्लोर पे। तो आप लोग जैसे देख सकते हो यहाँ पे टोटल 8 फ्लोर्स हैं, और मैं अभी बस 3 फ्लोर बना और 4th फ्लोर पर हम लोग चलते हैं। तो 4th फ्लोर पे सबसे बेस्ट चीज़ रखा हुआ है, मैं आप लोग को अभी जस्ट दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये देखो सबसे पहले एक बाइक रखी हुई है वहाँ पे, सोवेरेन क्या है वहाँ पे, जो भी कुछ है। एंड नाउ आर यू रेडी, 3-2-1 गो। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई प्रेजेंट यू द वन एंड ओनली लैम्बोर्गिनी सियान। तो हाँ यार, अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ कि GTA 5 में लैम्बोर्गिनी नहीं है, लेकिन बट आई हैव मॉडेड दैट, और मैंने इस लैम्बोर्गिनी को मॉड किया। और चलते उसको लेके थोड़ा सा राइड पे चलते हैं। तो हम लोग बाहर निकालते हैं,
और अब देखो यार इसको अब राइट पे लेके चलते हैं। और थोड़ा सा मैंने अभी तक इसको अभी तक कस्टमाइज़ नहीं किया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। मैं थोड़ा सा मतलब टाइम के टाइम ही टाइम था यार। और देख आप लोग को एक हो गया कि लैम्बोर्गिनी में आवाज़ नहीं है। हाँ आवाज़ नहीं है क्योंकि थोड़ा ग्लिच हो गया आवाज़ का, तो उसको मैं बहुत ही जल्दी सॉल्व कर दूंगा। तो आप देख सकते हो कि अभी मेरा गैराज इतना ही भरा और आधे से ज़्यादा खाली है। तो काम करते हैं T20 अपनी वापस उठाते हैं और वापस चलते हैं अपने घर पर जहाँ पर हम ये वाला वीडियो एंड करेंगे। तो यार देखो हमारा घर ये सीधा यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम पहले ले लेते हैं, मार्कर लगाते हैं और सीधा निकलते हैं। पहला बीच में आ रहा है वहाँ से हम लोग सीधा निकलते हैं अपने घर के तरफ। और तो यार हम लोग पहुँच गए हैं अपने घर पे फाइनली। और तो हमने T20 को अंदर पार्क कर देते हैं क्योंकि यार ये बहुत महंगी कार थी यार, मॉडल की कोई दिक्कत नहीं लेकिन तब भी बहुत महंगी कार थी। अब इसको बंद करते हैं। तो एक बार मैं आप लोग को फिर से पूरा ऊपर से व्यू दे देता हूँ अपने पूरे मॉडिफिकेशन का। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे पहले हेलीकॉप्टर है, वहाँ पे हेलीकॉप्टर था वो चला गया और दो हेलीकॉप्टर उस तरफ रखे हुए हैं। तो यार ये मॉडिफिकेशन करने में मुझे बहुत ही मज़ा है। आप लोग देख सकते हो ऊपर से कितना प्यारा लग रहा है। तो एक हेलीपैड वहाँ पे, एक हेलीपैड पीछे, दो हेलीपैड आगे, आप लोग देख सकते हो वहाँ पे दो हेलीपैड और बाकी कार का पूरा गैराज, गैराज का बोले पूरा फ्लोर ही है कार के लिए। और यहाँ जिसमें तरह तरह की कार रखी हुई है, लेकिन जो मेरा जो पर्सनल गैराज है जो पूरा 8 फ्लोर का गैराज है वो तो बिल्कुल अल्टीमेट ही गैराज है। और यहाँ से अगर रैंप से आप ऊपर आते हो तो देखो यार मैं यहाँ से कूद के वापस बाहर निकल रहा हूँ। ओ ओ भाई साहब आराम से चल, आराम से चल, देखो बहुत जल्दी होगी। तो गाइज यार देख सकते हो कि कितने तगड़े मैंने मॉडिफिकेशन, अगर आप लोग को मॉडिफिकेशन है डाउनलोड करना है तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से आके इजीली डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइज अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकन ज़रूर ऑन कर देना क्योंकि मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगी। और गाइज कमेंट करके बताओ कि अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए कि नहीं, और मैं ट्राई करूँगा और ऐसी अच्छी वीडियो दिलाती हूँ। सो गाइज आई विल सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। हमारे सपनों के बादल क्यों बरसते नहीं, समझ तारों में से भी कोई समझता नहीं, पीछे से आलू डालने पे सोना निकलता नहीं, देख के अनदेखा करना काम इनका रोज का, क्या बढ़िया फायदा उठाया है दोनों आंखों का, जनता का पैसा चुरा के कब तक तू भागेगा, बर्बाद हुआ पूरा संसार।